वो लोग बैठे हैं जिनको पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए हम, हम इनका धंधा बंद करने आए हैं जिन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, हिसार जिले में हरियाणा में फर्स्ट आए थे, एक ही स्टूडेंट आया था जो चुना गया था पूरे जिले से, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन जुनून था कि देश में बदलाव लाना है। इस्तीफा देकर उसी दफ्तर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए, अंदर कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताना। नया तूफान, नए विचार, नया खून, आम घरों के बेटे बेटियों को लाओ, इनके बेटे बेटियां चेयरमैन बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, हमारे बेटे बेटियां सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखे हुए हैं। इनको बोल देना, बीजेपी वालों को, कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आए थे दिशा में, ये बोल के गए हैं कि इनके बेटे बेटियों के बिस्तरे गोल कर दो, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। कांग्रेस चलो छोड़ो, क्या कांग्रेस तो कोमा में चली गई, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की राजधानी में जीरो, जहां पर राहुल गांधी जी रहते हैं, सोनिया गांधी जी रहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता रहते हैं, जिस इलाके में, वो नई दिल्ली विधानसभा है, वहां से एमएलए पता कौन है पिछले 3 बार से? अरविंद केजरीवाल। चलो खुद तो वोट नहीं देते होंगे, लेकिन उनके घर पे काम करने वाले माली, रसोई वाले सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो अंदर से इनको जानते हैं कि कैसे हैं ये। कोई हमें कहता भाजपा की बी टीम है, कोई कहता कांग्रेस की बी टीम है, हम टीम हैं, लेकिन जनता की ए टीम है। गुजरात विधानसभा चोणा ने सियासत पखा दिती है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियां नू संबोधन कर रहे ने। इसे दौरान गुजरात दे बनासकांठा च जनता नू संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा ते कांग्रेस नू निशाने ते लिया है। मान दा कहना है कि आम आदमी पार्टी ना तो भाजपा की बी टीम है ते ना ही कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी जनता की ए टीम है। इलाके के भारी संख्या में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, बुजुर्गों के इलाज के लिए और गुजरात की तरक्की के लिए एक एक कदम आप चल के आए हमारे सर माथे पर, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं जिन्होंने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। हमारी गुजरात की पूरी टीम बैठी है, वो लोग बैठे हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग बैठे हैं जिनको पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए हम, हम इनका धंधा बंद करने आए हैं जिन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, हिसार जिले में हरियाणा में फर्स्ट आए थे, एक ही स्टूडेंट आया था जो चुना गया था पूरे जिले से, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन जुनून था कि देश में बदलाव लाना है। इस्तीफा देकर उसी दफ्तर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए, अंदर कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताना। तो ये जुनून है। तो गुजरात में आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, हम जूनागढ़ गए, हम खेड़ ब्रह्मा गए, हम सुरेंद्र नगर गए, हम ऊंझा गए, आपके पास आए, वडोदरा गए, अहमदाबाद गए, जहां जाते हैं लोग यही कहते हैं भाई हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो। हमने कहा जी हमने नहीं छुड़वाना पीछा, आपने है। 27 साल हो गए, कमाल है, हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेता है, अब गुजरात वालों तुम तो बदलो कुछ, बदलाओ, नई आंधी, नया तूफान, नए विचार, नया खून, आम घरों के बेटे बेटियों को लाओ, इनके बेटे बेटियां चेयरमैन बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, हमारे बेटे बेटियां सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखे हुए हैं।
क्यों भाई, हमारे बेटे बेटियां क्यों नहीं बन सकते विधायक, हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते चेयरमैन, क्या कुर्सी पे बैठना नहीं आता उनको? इनको बोल देना बीजेपी वालों को कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आए थे दिशा में, ये बोल के गए हैं कि इनके बेटे बेटियों के बिस्तरे गोल कर दो, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। कांग्रेस, चलो छोड़ो क्या बोले, कांग्रेस तो कोमा में चली गई, दिल्ली में भी जीरो है, दो बार जीरो, देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की राजधानी में जीरो। खत्म। ये दिल से बोला है। जहां पर राहुल गांधी जी रहते हैं, सोनिया गांधी जी रहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता रहते हैं जिस इलाके में, वो नई दिल्ली विधानसभा है, वहां से एमएलए पता कौन है पिछले तीन बार से? अरविंद केजरीवाल। चलो खुद तो वोट नहीं देते होंगे, लेकिन उनके घर पे काम करने वाले माली रसोई वाले सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो अंदर से इनको जानते हैं कि कैसे हैं ये, कि कौन कौन आता है घर पे, आपस में कैसी मीटिंग होती है 12 बजे, सीक्रेट मीटिंग, तुम ये कर लो तुम वो कर लो। हम वो वाले नहीं, हम तो भाई कोई हमें कहता भाजपा की बी टीम है, कोई कहता कांग्रेस की बी टीम है, हम टीम है लेकिन जनता की ए टीम है। गुजरात ते हिमाचल प्रदेश विधानसभा चोणां जित्तण लई सारियां सियासी धिरां पूरा जोर लगा रहियां ने। इन्हां दोवां राज्यां च केड़ी धिर सत्ता ते काबज हुंदी है, इह तां आउण वाला समां ही दसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बणदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखणा ना भुलणा साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबस्क्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। वो लोग बैठे हैं जिनको पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए हम इनका धंधा बंद करने आए हैं जिन्होंने राजनीति को धंधा बना रखा है। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, हिसार जिले में हरियाणा में फर्स्ट आए थे, एक ही स्टूडेंट आया था जो चुना गया था पूरे जिले से, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन जुनून था कि देश में बदलाव लाना है। इस्तीफा देकर उसी दफ्तर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गए, अंदर कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताना। नया तूफान, नए विचार, नया खून, आम घरों के बेटे बेटियों को लाओ। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, हमारे बेटे बेटियां सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रखे हुए हैं। इनको बोल देना बीजेपी वालों को कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आए थे दिशा में, ये बोल के गए हैं कि इनके बेटे बेटियों के बिस्तरे गोल कर दो, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। कांग्रेस, चलो छोड़ो क्या बोले, कांग्रेस तो कोमा में चली गई, देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की राजधानी में जीरो। जहां पर राहुल गांधी जी रहते हैं, सोनिया गांधी जी रहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता रहते हैं जिस इलाके में, वो नई दिल्ली विधानसभा है, वहां से एमएलए पता कौन है पिछले तीन बार से? अरविंद केजरीवाल। चलो खुद तो वोट नहीं देते होंगे, लेकिन उनके घर पे काम करने वाले माली रसोई वाले सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो अंदर से इनको जानते हैं कि कैसे हैं ये। कोई हमें कहता भाजपा की बी टीम है, कोई कहता कांग्रेस की बी टीम है, हम टीम हैं लेकिन जनता की ए टीम है।